आखिरी तीन ओवर में चाहिए थे दिल्ली कैपिटल को 30 रन, फिर मैदान पर आया रोमन पावेल का तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 41 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली कैपिटल ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है। इस मुकाबले में आखिरी तीन ओवर में रोमन पावेल ने पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, फुल हाईलाइट हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और आप भी दिल्ली कैपिटल की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे वेंकटेश अय्यर और एंड फिंच, लेकिन दोनों टीम को खराब शुरुआत ही दे पाए। जहां तक बात की जाए एंड फिंच की, तो वो 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं पर वेंकटेश अय्यर 12 गेंदों पर सिर्फ 6 ही रन बना पाए और टीम ने शुरुआती अपने 2 विकेट 22 रनों के अंदर गंवा दिए। इसके बाद आए बाबा इंद्रजीत भी कुछ खास नहीं कर पाए और 35 के स्कोर पर टीम ने तीसरा, तो वहीं पर सुनील नारायण के रूप में 35 के ही स्कोर पर टीम ने 4th विकेट गंवाया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी की सारी जिम्मेदारी आ गई थी कप्तान सुरेश अय्यर और नीतीश राणा के ऊपर, और दोनों के बीच शानदार साझेदारी भी हुई। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में कमाल किया एक बार फिर कुलदीप यादव ने। जब सुरेश अय्यर और नीतीश राणा के बीच साझेदारी 50 रनों की तरफ बढ़ रही थी, तो कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की। पहले सुरेश अय्यर को ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाए, तो इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और उनको भी स्टंपिंग कर दिया, यानी कि 2 विकेट एक बार फिर बैक टू बैक एक ही ओवर में चटकाकर कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 14 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त कर ली थी और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 83 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर रिंकू सिंह और नीतीश राणा के बीच अच्छी साझेदारी हुई, जिसके दम पर यहां पर टीम ने स्कोर बनाया निर्धारित 20 ओवर में 146 रन। इस दौरान नीतीश राणा के बल्ले से 34 गेंदों पर शानदार 57 रन देखने को मिले, तो वहीं पर रिंकू सिंह के बल्ले से भी 23 रन निकले। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 68 साझेदारी हुई थी। वहीं पर सबसे ज़्यादा दिल्ली की कैपिटल की तरफ से कुलदीप यादव ने 14 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर नोस्ता फिजूर ने 18 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। इसके अलावा चेतन सकारिया को 1 विकेट मिला, तो वहीं पर अक्षर पटेल को भी 1। वहीं पर इस 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की शुरुआत भी काफ़ी ख़राब रही। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर आउट हो गए, यानी कि दिल्ली को पहला झटका पहले ही गेंद पर 0 के स्कोर पर लगा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा विकेट 17 के स्कोर पर गिरा मिचेल मार्श के रूप में। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर और ललित यादव के बीच शानदार साझेदारी हुई, लेकिन इसी बीच डेविड वार्नर 26 गेंदों पर 42 रन बनाकर एक बार फिर उमेश यादव का शिकार बने, तो वहीं पर ललित यादव भी इसके बाद 29 गेंदों पर 22 रन बनाकर सुनील नारायण का शिकार बने, तो वहीं पर ऋषभ पंत भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, वो उमेश यादव का शिकार बने। एक समय तक टीम ने 84 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल और साथ ही साथ रोमन पावेल के बीच एक शानदार साझेदारी हुई, जिसने इस टीम के स्कोर को और आगे तक पहुंचाया। लेकिन अक्षर पटेल रनआउट हो गए 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर। यहां पर फिर मुश्किलें लग रही थी कि यहां पर एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम वापसी कर सकती है इस मुकाबले में, क्योंकि गेंदबाजी काफ़ी शानदार हो रही थी। लेकिन यहाँ पर गलती कर दी कप्तान सुरेश अय्यर ने और वेंकटेश अय्यर को ओवर दे दिया। वेंकटेश अय्यर सफलता तो प्राप्त नहीं कर पाए और साथ ही एक ओवर में 14 रन लुटा दिए। इसके साथ ही यहां पर मैच का पासा पलटता हुआ दिखा। हालांकि यहां पर अंतिम ओवरों में जहां सफलता की जरूरत थी टीम को, वहां पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। दिल्ली कैपिटल की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस मुकाबले के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। अंत में शानदार बल्लेबाजी की टीम की तरफ से रोमन पावेल ने, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 33 रन बनाए। इस पारी में उनके बल्ले से 1 चौका व 3 छक्के देखने को मिले। जब टीम मुश्किल में थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुकाबला पलट सकता है, तब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को जीत दिलाई। आखिरी ओवरों में जहाँ टीम को रनों की जरूरत थी, वहाँ पर एक बार फिर उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली और शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस बार इस टीम को जीत दिला दी और इस मुकाबले को एक ओवर शेष रहते हुए दिल्ली कैपिटल ने 4 विकेट से जीत लिया। और इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल अब यहाँ पर शानदार शुरुआत कर चुकी है, एक बार फिर लय प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की जीत का हीरो आपको कौन लगा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करते जाएं। धन्यवाद।